तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन ब्लॉग्स। तो आज काउंसलिंग का दूसरा दिन है जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो आज हमारे साथ ससीमा आई है जो कि हेल्प करेंगी बच्चों को उनके फॉर्म फिल करने के लिए, और हमारे साथ शिक्षा जुड़ी हुई है और यहाँ ससीमा जुड़ी हुई है। तो ये दोनों हेल्प करेंगे और हमारे साथ उन्नति भी है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको काउंसलिंग का प्रोसेस। तो आप सभी देख रहे हैं कि अभी कैसे बीकॉम एलएलबी की काउंसलिंग चल रही है। यहाँ सब ओबीसी कैंडिडेट बैठे हुए हैं और काउंसलिंग की प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रही है। बड़ी दिक्कत हो रही थी बच्चों को कुछ देर पहले तक, लेकिन अब काउंसलिंग जो सफलतापूर्वक चल रही है। अब देख सकते हैं हमारे सीनियर्स भी बाहर खड़े हैं, सबको कोऑपरेट कर रहे हैं। अंशुम भाई को बीकॉम एलएलबी के इमीडिएट सीनियर, तो बहुत हेल्पफुल है बच्चों को काउंसलिंग के लिए, बहुत हेल्प कर रहे हैं। इनसे ज़रूर मिलिएगा जब आप आइएगा लॉ डिपार्टमेंट में। शब्द बोलने जाएंगे आप? सीट्स बहुत ही कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। सबके चेहरे में डिप्रेशन दिख रहा है मेरे को। टेंशन दिख रहा है। सब कंफ्यूज हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। भाई हमारे बहुत इंटरेस्टेड लग रहे थे, तो भाई कैसा कहना चाहेंगे आप? जीजू आके आपको कैसा लग रहा है और काउंसलिंग प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और काउंसलिंग प्रोसेस भी अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी कैसा लग रहा है आपको? वो तो बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी अच्छा है। और आपके वीडियोस भी देखे हैं पहले? आपके वीडियोस भी पहले से देखे हैं? तो गाइस हमारे वीडियोस देख के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। जैसे कि लॉ डिपार्टमेंट, आप कैंपस के अंदर आए होंगे, तो आपको लॉ डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा लगा? ठीक लग रहा है। बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सुबह से आए हैं और बहुत टायर्ड फील हो रहा है। तो काउंसलिंग में बहुत डिले हो रहा है जैसा कि, तो आप लोग बोर हो चुके हो? बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। फिर एडमिशन के बाद क्या खुशी रहने वाली है? एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे से पढ़ना है सब चीज़। और सीनियर तो आप हो ही, साथ करोगे, हेल्प करोगे सब चीज़ में। काउंसलिंग प्रोसेस जो है सुबह से चल रहा है, अभी तक आपका नंबर नहीं आया? मतलब नाम आ गया है, अभी बुलाएंगे। बुलाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है गाइस बहुत ही लेट चल रहा है। सही चल रहा है, बट थोड़ा लेट नहीं चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही लेट चल रहा है। तो गाइस जैसा कि सभी यही चीज़ बता रहे हैं, एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेट चल रहा है। लाइट ला दो, बताइए तो। तो गाइस जैसा कि जो जीजू है और बी एल एल बी बी कॉम एल एल बी लॉ डिपार्टमेंट में लाइट नहीं है, तो सारे बच्चे जो काउंसलिंग में आए हैं वो लाइट का डिमांड कर रहे हैं। तो कृपया जल्दी से जल्दी लाइट लाने का प्रयास करें। इट्स वेरी लेट। कहाँ से आए हैं? भारद्वाज से। तो जो काउंसलिंग का सब आपका डॉक्यूमेंट रेडी है? रेडी है। कहाँ से है? अंबिकापुर। अंबिकापुर से। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है सब आपका भी रेडी है? यस सर। आप? अंबिकापुर से। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से। मध्य प्रदेश से हैं गाइस। वेस्ट चंपारण बिहार। आप कहाँ से? बिलासपुर से। जिनका नाम रिया है, तो एडमिशन कराने आई हुए, तो कुछ बातें उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा लग रहा है हमारा लॉ डिपार्टमेंट? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के सीनियर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा है यहाँ का। तो जैसा कि एलविस यादव का सिस्टम चल रहा है, तो दीदी का कहना है लॉ डिपार्टमेंट का भी सिस्टम जबरदस्त है। मैं यूपी लखनऊ से आया हूँ। यूपी लखनऊ से? बिहार चंपारण से। काउंसलिंग प्रोसेस अच्छा है? सही है। आप कहाँ से हैं? गया बिहार। तो गाइस ये आई हैं गया बिहार से, तो आपको तो आने में ही लेट लगा होगा। कल सुबह में 8 बजे सुबह में ट्रेन पकड़ी। तो अगर आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस पता चलता तो क्या आप ऑनलाइन अप्लाई करती? हाँ जरूर। तो गाइस जो नोटिस आया था वो बहुत ही लेट आया था, तो उनको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, तो जो दूर से आए हैं उनके लिए ये सहूलियत हो जाता। आप कहाँ से? मैं कोरबा से आई हूँ। कोरबा से आई हैं। आपको कुछ बोलना चाहेंगे जीजू के लिए? जीजू के लिए प्रोसेस बहुत अच्छा है यहाँ का, लेकिन जैसे मैं 14 को आई थी उस दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे बच्चे आए थे दूर दूर से और उस दिन सब वापस चले गए थे, लेकिन आज से फिर रिजर्व कैटेगरी लिस्ट में नाम आया है और आज रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है, इसलिए खुशी है बहुत। थैंक यू। तो गाइस जैसा कि आज उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनको बड़ी खुशी है, और जब बाहर जाएंगे इन लोग एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा तो बड़ी खुशी से निकलेंगे। आप? बिहार से आए हैं। आपका? अभी नहीं हुआ, वेटिंग में है। अच्छा, वेटिंग पे है इनका नाम। अभी पूछते हैं पेरेंट्स से। तो आपको यहाँ काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आए हैं, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो नहीं हो रही है मेरे को यहाँ। अब एक दिन तो झेलना पड़ेगा ही अपन लोग को, नहीं क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मेरे को भी जानकारी है सब चीज़ का। डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग सब रेडी कर दिए? हाँ, पूरा रेडी हो गया है अपन लोग। अच्छा, तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वही लेट चल रहा है, वही बोलना चाहते हैं पेरेंट्स, लेकिन सब अपना विश्वास रख के बैठे हुए हैं कि एक दिन कम से कम इतना चीज करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही हम लोग को यहाँ पे आ करके, हमारा एडमिशन हो जाए अच्छे से और कुछ नहीं।
दिक्कत नहीं हो रही। आप कहाँ से हैं? बिलासपुर। बिलासपुर से? हाँ। कहाँ से हो? बिलासपुर से। जराबाटा पन्ना नगर। कहाँ? पन्ना नगर। पन्ना नगर से। तो आपका सब डॉक्यूमेंट रेडी है? हाँ। आपका वेटिंग लिस्ट पे है? अभी तो बुलाया ही नहीं है मेरे को। अभी तक बुलाया नहीं है? झारखंड से। झारखंड। नाम नहीं पूछा मैं। अंबिकापुर। से आप लोग कुछ बोलना चाहें? पिछले बार भी आए थे, उस टाइम नहीं हुआ, होप सो इस बार हो जाए। वेटिंग लिस्ट में नहीं है। तो सब गाइस होप पे ही हैं। बिहार से। कहाँ से? बिहार। 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 बिहार से। सब बिहार से आए हो, मतलब ग्रुप बनाना है बिहार वालों का, बोल दो। तो जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं, तो हमसे जाते हैं और बात करते हैं। तो आपको जी जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो आपका एडमिशन हो चुका है? जी हो गया जी। तो प्रिंट में एडमिशन पाके बहुत खुशी हो रही है सर। बोलते थे कि यहाँ पे इतना कुछ है, तो भैया बहुत ही हेल्पफुल करते हैं हम लोग को, और बहुत ही हेल्पफुल भैया हैं, और यही बोलना चाहूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। आप लोग सब कोई भैया का चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। तो भाई का कहना है कि मेरे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर दो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, और जो नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दो। को बहुत हेल्पफुल हो। आप कहाँ से बताओ ना, कहाँ से आए हो बताओगे ना, तो चॉकलेट देंगे। तो जैसा कि बच्चा मेरे से बड़ा नाराज है, वो बात नहीं करना चाहता। घर जाना है तो चॉकलेट मिलेगा डिपार्टमेंट से। तो आप कहाँ से आए हो? बबरी चंदौली। बबरी चंदौर से? वाराणसी। वाराणसी से आए हुए हैं, एकदम जोरों शोरों से अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं डोंगरगढ़ से हूँ, डोंगरगढ़ राजनांदगांव से। आपका नंबर कितने में? जीटी में 121। तो भाई का 121 नंबर है जीटी में, और एडमिशन के लिए आए हुए हैं। तो सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक उनका एडमिशन हो ही जाए। आप कहाँ से? लोकल ही बिलासपुर से। बिलासपुर से ही लोकल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, वेटिंग में है ना। भाई बहुत ही मुश्किल काम है भाई ये। मैं बोली बस थी अपने इंट्रोडक्शन के दिन में कि मेरे को टीच लॉ प्रोफेसर चाहिए, और मेरे को सच में लग रहा है कि मैं लॉ प्रोफेसर बन गई हूँ। मान करे कि बन जाऊँ जल्दी, महादेव की कृपा हो मेरे ऊपर। तो बच्चे कैसे लगे आपको? एक नंबर है, मतलब सब कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और कुछ अगर बच्चे बदमाशी भी करेंगे तो हम लोग हैं सुधारने वाले, सुधार देंगे। मस्ती करते हैं बच्चे, और ऐसे ही होने चाहिए बच्चे, और ऐसे हैं भी। तो गाइज इस साल जो हमारे जूनियर्स आए हैं, काफ़ी मतलब हमारी बातों को मान रहे हैं, हमारी जो भी बात हम बोल रहे हैं वो सबको मान रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मिसबिहेव कर रहा है, सब डिसिप्लिन वे में है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, देख मिलते हैं आपको शिवम के साथ आइसक्रीम खाते हुए अमूल पार्लर के नीचे। ये चेहरे पे क्या मुस्कुराहट है, ये रुचि आई हुई है, ये आदित्य आचार्य, इन लोग को तो जानते ही होंगे आप लोग। ये है अक्षत सिंगल, ये है अनुराग, दोनों साथ में ही रहते हैं गाइस, जैसे कि बहुत बच्चों को हेल्प किया जा रहा है उनके द्वारा। वो हो गया है, गाइस सबका। हाँ, पता नहीं, जानते भी नहीं है भाई, जीरोक्स मारना पड़ता है। अगर व्यू ना आए और पार्टी नहीं मिली तो यही तुम्हारा राउंड लगवाएंगे फिर। अमूल पार्लर में सबसे महंगी वाली आइसक्रीम अमन भैया देंगे। जैसा कि यहाँ भीड़ लगाया जा रहा है कोरोना काल में, तो वैसा कि देख सकते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस जो है चल रहा है, और सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और यहाँ ऐसे ही चलता है, ये देख सकते हैं सर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है।